हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? चलिए देखते हैं कि आज शाम आपके पर्सन के मन में आपको लेके क्या कुछ था, उनकी एनर्जी क्या है आपको लेके, उनके इंटेंशन क्या है आपको लेके, वो आपको किस तरह से देखते हैं, चलिए जान लेते हैं। रीडिंग व्यूवर्स जनरल है, सभी के लिए की जा रही है, तो आपसे जितना रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को व्यूवर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपसे रेजोनेट करती है तो। ओके, और व्यूवर्स पर्सनल रीडिंग अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है भाई आपकी लाइफ में। ठीक है, आपके लिए 9451 ये कुछ नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। 7 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, टॉरस की एनर्जी प्रोमिनेंट, ये कुछ एनर्जी नज़र आती है, कर्क एनर्जी प्रोमिनेंट है यहाँ पे फिलहाल। ओके, तो हमारे पास ये काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए, इतने सारे तो नहीं हो पाएंगे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं इनके पर्सन की एनर्जी क्या है। आप अपने पर्सन पे फोकस बनाइए व्यूवर्स, आपका फोकस नहीं है उनके ऊपर। आई थिंक ओके, सो वी हैव द टेन ऑफ वैंड, किंग ऑफ वैंड्स, एट ऑफ सोर्ड, द मैजिशियन, बॉटम से एट ऑफ कप्स एंड दी हैरियोफेंट। हैरियोफेंट हैरियोफेंट दो बार आया है, यानी कि कहीं ना कहीं आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग हो सकता है कि मैरिड हो, ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे नज़र आती है। मैरिड हो सकते हैं या फिर मैरिज हो लेके इश्यूज़ यहाँ पे काफ़ी सारे हो सकते हैं, मे बी फैमिली इशूज़ हैं, ठीक है। आप लोगों की जो विचारधाराएँ हैं वो यहाँ पर मिसमैच हो रही हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है व्यूवर्स, यहाँ पर हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों की मैरिज लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम हो, मे बी आपका कोर्ट केस चल रहा हो, आपका कन्फ्लिक्ट हो, समथिंग लाइक कुछ इस तरह से, परिवारों में मतभेद हो सकता है, ठीक है। आप लोगों में पारिवारिक जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा हो सकती है, यहाँ पर वो चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। समवेयर ये भी पॉसिबल है व्यूवर्स कि आप लोग अपने पर्सन के साथ में कनेक्टेड होने के बावजूद भी, यानी आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, फिर अचानक से एक पॉज आता है और आपके पर्सन आपको छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ कुछ यहाँ पे नज़र आती हैं, ठीक है। तो अभी अगर व्यूवर्स मैं आपके रिलेशनशिप में देखूँ तो अभी आप भी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम में नज़र आते हैं और आपके पर्सन भी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम में नज़र आते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जबकि कोशिशें बहुत ज़्यादा कर रहे हो यहाँ पे आगे बढ़ के अपनी लाइफ को नई तरह से रीस्टार्ट करने की। और आप अपने पर्सन से ये भी चाहते हो कि आपके पर्सन आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालें, ठीक है, वो आपकी तरफ आएँ, आपको कोई ऑफ़र दें, क्योंकि आप देख रहे हो कि वो आपके पर्सन में भी आपके साथ में पहले भी आ चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं, फिर आके भी वो जा चुके हैं, ठीक है। तो अभी आपके अपनी लाइफ में देख रही हूँ कि अभी आपका ना तो किसी चीज़ में मन लग रहा है, ना तो किसी काम में मन लग रहा है, ना ही आप किसी चीज़ से सेटिस्फाई हो रहे हो, जस्ट आपको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो है इस पर्सन के साथ में, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में व्यूवर्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ के अंदर एक तरह से कहते हैं ना, जस्ट लाइक अ बैटल, बैटल चल रही है आपके मन में भी, आपकी लाइफ में भी, दोनों ही तरह से है। आप अपने आप को बहुत स्टेबल करने की कोशिश भी करते हो, आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हो, पर समवेयर ये चीज़ें आपकी लाइफ में पॉसिबल नहीं हो पाती। आप लोग यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस सिचुएशन में यहाँ पर नज़र आते हो। आपके पर्सन की अगर मैं व्यूवर्स एनर्जी की बात करूँ तो ये एनर्जी गाइज ये दिखाती है कि आपके पर्सन बहुत बार कोशिश ये भी करते हैं कि वो इस रिलेशनशिप को हील करें, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कोशिशें नाकामयाब हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि भाई एक तरह से अगर देखा जाए आप लोगों के लिए एक लूप होल है। लूप होल क्या होता है आप उसको पहले समझो कि आप एक आपके सामने वो एक
आपके सामने एक वो गेम होती है ना, जहाँ से चलते हैं वहीं पर आ जाते हैं लौट फिर के, बस वैसे ही आपकी लाइफ का एक पैटर्न मुझे यहाँ पे चलता हुआ नज़र आता है। यानी अब जितनी बार भी आपके पर्सन भी सिचुएशन से निकलने की कोशिश करते हैं, मे भी आपको छोड़ के जाने की कोशिश भी करते हों, वो उनसे वो भी नहीं हो पाता, आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं उनसे वो भी नहीं हो पाता, तो समवेयर ये लैगिंग करते मुझे अपनी लाइफ में नज़र आते हैं। ठीक है, ऐसा भी आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर फील होता है कि उनका इस रिलेशनशिप का जैसे कि वो थक चुके हैं, वो हार चुके हैं, उनसे कुछ भी मैनेज नहीं हो पा रहा। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर आपके पर्सन अपनी लाइफ में ऐसा नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं या फिर करना नहीं चाहते, लेकिन हाँ मतलब परिस्थितियाँ ऐसी कहीं ना कहीं हो गई हैं कि हर सिचुएशन जितना संभालने की कोशिश करो उतनी ही बिगड़ती चली जा रही है। तो ये मैं देख रही हूँ कि भाई एक इंसान के ऊपर या तो ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, या फिर वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िम्मेदारियों की बोझ के तले इतना ज़्यादा दब गई है, दब गया है, या फिर उसकी स्ट्रेंथ उसकी ताकत जवाब दे गई है कि वो मतलब अब कुछ कर पाने की स्थिति में अपने आप को नहीं फील कर पा रहे। तो मैं आपको लेके अगर उनकी फीलिंग्स की बात करूँ व्यूवर्स, तो आपके पर्सन ऐसा नहीं है कि वो आपसे दूर हो के या फिर आपसे डिसकनेक्ट हो के वो अपनी लाइफ में खुश हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं नज़र आता है। ये पर्सन बिल्कुल भी खुश तो मुझे नहीं नज़र आते, अगर खुश होते तो इस तरह से इंजॉयमेंट वाली एनर्जी आती, लेकिन आपके पर्सन के व्यूवर्स यहाँ पर हालात ही कुछ ऐसे हैं कि ना तो अपनी ज़िंदगी में खुश रह पा रहे हैं, ना ही उस सिचुएशन से ओवरकम कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपके पर्सन आपसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते बिल्कुल, देखो क्योंकि दोनों ही एक ही नाव में सवार हो। ठीक है, यहाँ से आपका भी वही आस्पेक्ट है, इनके आपके पर्सन का भी वही आस्पेक्ट है, तो दोनों ही एक ही नाव में सवार हो, दोनों ही एक दूसरे से कनेक्ट भी होना चाहते हो, आपके मन में भी उनके लिए एक भावना है कि वो आपके साथ में कनेक्ट हो, वो भी आपसे यही चाहते कि वो भी आपके साथ में कनेक्ट हो, लेकिन कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पे मे भी जिन लोगों का मैं एक सिर्फ एक सिचुएशन आपको बता रही हूँ, और ये मे भी काफ़ी लोगों से कोरिलेट करेगी कि आप लोगों केस अगर कोर्ट में जा चुका है तो आपके पर्सन का जो माइंडसेट है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि मे भी अपने परिवार की वजह से ही आपको लेके कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। मतलब आप समझो यहाँ पे कि अब इनको ऐसा लगता है कि अगर ये अभी आपको लेके कोई एक्शन लेते और आपके साथ में कनेक्ट होते हैं तो इनका परिवार इनका साथ छोड़ देगा और फिर इनके साथ में कोई भी कनेक्ट नहीं होगा। तो ये अपने परिवार की एक तरह से अगर वैल्यू को हम आइडेंटिफाई करें तो उस वैल्यू की वजह से भी आपके साथ में आपके पर्सन कनेक्ट नहीं हो पा रहे, इनको ऐसा लगता है अब जो परिवार या फिर कोर्ट के फैसला लेगा ये वही करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक तरह से देखूँ कि अपना मन की नहीं चला पा रहा इंसान, राइट, आप समझो मेरी बात को, कि उसके मन में तो है आपसे कनेक्ट होना, क्योंकि देखो दोनों ही है, मतलब एक तरह से देखूं तो एक दूसरे के लिए फील करते हो कि हाँ आप लोग एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हो, आप ही एक दूसरे के साथ में कम्प्लीट हो सकते हो, लेकिन अब रिश्ता आप लोगों के दोनों के बीच में नहीं रह गया, आप चार दीवारी के बीच में नहीं है रिश्ता, रिश्ता चार दीवारी से बाहर लांग चुका है, या फिर ये कहें जस्ट नॉट अ अट्रैक्शन, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन तो मुझे नहीं नज़र आता यहाँ पे, बहुत स्ट्रांगली मतलब बाहर के लोग ज़्यादा इंटरफेरेंस मुझे करते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब इंसान का इसके अपने हाथ में कुछ नहीं रह गया है तो वो आपको लेके कुछ एक्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, या तो सब जने मिलके कोई एक्शन लें तो ही इस रिश्ते में फ़िलहाल ये सोच रहे हैं कि कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ इनके तो कहीं ना कहीं जैसे कि हिम्मत टूटती हुई नज़र आती है व्यूअर्स, इनको ऐसा भी डर लग रहा है कि ये आपको खो देंगे। ठीक है, आप इनसे दूर हो जाओगे, सेपरेट हो जाओगे, आपको भी वही डर लग रहा है कि ये आपसे दूर हो जाएंगे, आपसे सेपरेट हो जाएंगे, तो दोनों एक दूसरे को खोने से डर रहे हो, राइट, तो दोनों एक दूसरे को जब खोने से डर रहे हो व्यूअर्स, तो उतना ही दिलों में गहरा प्यार भी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये सिचुएशन गाइज मुझे यहाँ पर नज़र आती है, ना तो आप कुछ कर पा रहे हो ना ही ये पर्सन कुछ कर पा रहा है फिलहाल करंट सिचुएशन में। अगर मैं देखूँ अगर आज शाम की थिंकिंग तो ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं और अपनी सिचुएशन के बारे में ही सोच रहे हैं कि ये हालात कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। अब बात पहले कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ठीक है, देखो लवर मैंने बोला था आप लोग हो एक दूसरे के, मतलब चाहे आप लोग मैरिड ही क्यों ना हो लेकिन प्यार तो है ना एक दूसरे के लिए, ऐसी बात नहीं है कि मैरिड जो हो जाने के बाद में प्यार नहीं होता, बिल्कुल बेइंतहा प्यार होता है, करने वाले बहुत करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के लिए जान भी छिड़कते हैं, वही आप लोगों के रिलेशनशिप में नज़र आता है, भाई जान छिड़कते हो दूसरे के ऊपर, लेकिन ये जो एनर्जी है ये दिखाती है कि ट्रैप हो जाना, परिस्थितियों में फंस जाना, परिस्थितियां आपके विपरीत हो जाना। ठीक है, और आपकी जो बुद्धि है वो काम करना बंद कर देना, या फिर आप उतना ज़्यादा सोचने लगते हो कि आपका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना इंजर पिंजर हिल जाते हैं, कंप्यूटर भी अगर ज़्यादा लोड देते तो वो भी हैंग हो जाता है। ठीक है, होता नहीं होता है, तो यही आपके पर्सन का भी दिमाग हैंग हो गया, आपका भी हो गया, इनका भी हो गया। तो अभी फ़िलहाल मैं यही कहूँगी ये जो पर्सन है व्यूवर्स अभी फ़िलहाल मैच्योरिटी दिखा रहे हैं, मैच्योरिटी किस तरह की कि भाई वो सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ तलाश रहे कि ऐसा क्या हो सकता है जिससे इस रिलेशनशिप में फिर से वापसी की जा सके। ठीक है,
तो व्यूवर्स यहाँ पे ये कुछ सिचुएशन नज़र आती है, देखते हैं ऐसी सिचुएशन में आउटकम आपके लिए क्या रहेगा। तो यूनिवर्स से पूछते हैं, एंजल से पूछते हैं। तो अगर आपके मन में इसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो चलिए जान लेते हैं कि आपके लिए एंजल यहाँ पे क्या कहते हैं कि आपको ऐसी सिचुएशन में अभी फ़िलहाल क्या करना चाहिए। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल, ऐसे सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए प्लीज़ बताएँ। ओके, सो बी होपफुल, बी होपफुल, यस। ठीक है, येस की एनर्जी गाइज यहाँ पर हमारे पास आती है। तो अभी आपके लिए व्यूवर्स देखो, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा होगा तो उसके लिए येस का आंसर है हमारे पास, और डबल येस है, येस येस दो बार येस है, और ये आपके लिए यही कहता है। दोनों ही तरह की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों एनर्जी गाइज यहाँ पर आपको मेरी तरफ से भी, अगर जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसके लिए भी येस मान लो, और आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसके लिए भी येस मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहूँगी, बी होपफुल। आप अपनी सिचुएशन को अभी फ़िलहाल हैंडल नहीं कर सकते तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसको लेट गो करो फॉर अ टाइम बीइंग। सिचुएशन को यूनिवर्स पर सरेंडर करो, ठीक है। वैसे आप लोगों के लिए व्यूवर्स एक ही मैसेज है इस रीडिंग के थ्रू कि बी पॉजिटिव एंड अपनी सिचुएशन को एक दूसरे नज़रिए से भी देखो कि जो हो रहा है वो आपके सिचुएशन में आपके लिए क्या कुछ बदल रहा है। आपके पर्सन जैसे थे अब वह वैसे नहीं हैं, उनकी उनके हालात, उनकी सोच आपको लेके कितनी बदल चुकी है, ये मैटर करता है। यानी जो पर्सन आपको लेके पहले सोचता भी नहीं था या जिसके दिल में आपके लिए कुछ फीलिंग्स ही नहीं थी, अब उसको एहसास हो रहा है कि वो आपके लिए, आप उसके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वो पॉसिबिलिटी अगर तलाश रहे हैं तो आपको भी देखना चाहिए कि आप भी एक होपफुल रहो, राइट। तो ये व्यूवर्स मैसेज आपके लिए आया। अगर आपसे ये रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, और अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट होती है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।